मेरा एक और सवाल था कि जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग विंडोज़ हैं, तो क्या मैं उसको विंडोज़ 10 में अपग्रेड कर सकता हूँ? जी हाँ, आप अगर आपके सिस्टम्स जो कि 2016 से पहले के हैं उनमें इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके सिस्टम 2016 के बाद परचेज किए गए हैं तो आप इजीली आप विंडोज 10 प्रो या उससे हायर वर्जन इंस्टॉल कर सकते मेरे पास जैसे विंडोज़ भी 7 के अलग अलग हैं, होम भी है हैं। और प्रो भी है और अलग अलग जैसे हैं, तो उसमें कैसे कर पाएंगे कुछ अगर आपके पास जानकारी? विंडोज 7 प्रो है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज अ लाइसेंस बेस्ड, अगर आप विंडोज़ खरीदते हैं तो उसमें आप विंडोज 7 प्रो को डायरेक्टली विंडोज E3 में अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा अभिषेक, मेरा एक और सवाल था आपसे कि जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग विंडोज़ जो चल रही हैं, तो क्या मैं उसको विंडोज़ 10 में डायरेक्ट अपग्रेड कर सकता हूँ? ऐसा कुछ है पॉसिबल, या मुझे अलग से ही कोई लेना पड़ेगा सिस्टम, या बताओगे मुझे इसके बारे में? हाँ, आप अपने डिवाइसेस को विंडोज 10 में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके डिवाइसेस 2016 के बाद परचेज किए गए हैं तो आप इजीली और विदाउट एनी इशू उनमें विंडोज 10 अपग्रेड कर सकते हैं। अभिषेक, ये इतना तो ठीक है, चलो विंडोज 10 में हम अपग्रेड कर सकते हैं, बट मेरा एक और सवाल है, अगर मान लो मैं विंडोज 7 में चला रहा हूँ और उसके बाद मेरे एप्लीकेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट के ही एप्लीकेशन होंगे उसके अंदर, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? जी हाँ, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो Office 365 है वो मॉडर्न लाइफ साइकिल पॉलिसी पे गवर्न करता है। इसका मीन्स ये होता है कि Office 365 को रिक्वायर होता है कि वो लेटेस्ट और अपडेटेड विंडोज़ पे ही काम करे और सपोर्टेड विंडोज़ में काम करे, और अगर आपका विंडोज़ ही अनसपोर्टेड हो गया है तो आपके IT पर्सन्स को पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल या आउटलुक के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिसका मीन्स ये है कि अगर आपके यूजर्स को आपकी उनकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उनके आउटलुक चलना बंद हो जाएंगे, उनको उनको किसी ईमेल का रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा, उन्हें वर्ड एप्लीकेशंस में काम करने में इश्यूज आएंगे, उनको एक्सेल में डेटा अपडेट करने में इश्यूज आ जाएंगे, उनके सिस्टम्स हैंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए अगर आपको इसको इसको कम करना है इसके इन इश्यूज़ को, और अपने IT पर्सन के जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा बढ़े ना, तो आप अपने विंडोज 7 को अपग्रेड कर दीजिए। अभिषेक, मेरा एक और सवाल था आपसे कि जो मेरे सिस्टम से विंडोज 7 चल रही है, क्या वो 14 जनवरी 2020 के बाद एक्टिवेटेड रहेंगी, या कुछ मेरा डेटा चला जाएगा, या वो अनलाइसेंस हो जाएंगी? आपकी विंडोज़ एक्टिवेटेड रहेंगी, जो विंडोज 7 में अगर आपको कोई मशीन्स हैं तो वो विंडोज़ एक्टिवेटेड रहेगी, लेकिन वो आउट ऑफ सपोर्ट हो जाएगी। आउट ऑफ सपोर्ट का मीन्स यही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कोई भी अगर इश्यूज आते हैं आपके सिस्टम्स में तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी, क्योंकि वो डिवाइसेस और वो मशीन्स आउट ऑफ सपोर्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन डिवाइसेस में विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है। ओके।